तो रोजा, कोरोना महामारी से लोगों को राहत देने के लिए चल रहा है वैक्सीन का ट्रायल और उसका पहला फेज संपन्न हो गया। इस चरण में कुल 375 वॉलेंटियर्स को वैक्सीन दी गई। इसके परिणाम संतोषजनक रहे। अकेले रोहतक के पंडित बीडी शर्मा PGIMS में 79 लोगों को वैक्सीन दी गई। इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट किसी में नहीं पाया गया। अब डॉक्टरों की टीम इसके डाटा का इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि मध्य अगस्त तक ये लोगों को वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल शुरू करेंगे। इस मौके पर हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा ने वैक्सीन पर शोध कर रहे डॉक्टरों की टीम से बात की। कोरोना के दंश में कमजोर हुई दुनिया के लिए राहत देने में मेडिकल साइंस दिन रात एक किए हुए है। इसी कड़ी में कल भी एक राहत भरी खबर आई थी और पीछे भी जो कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है वो टीम हमारे साथ मौजूद है। इसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर श्वेता वर्मा और को इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर रमेश वर्मा। अब तक का अपडेट क्या है कोवैक्सीन ट्रायल का, इनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइए क्या अपडेट है। हाँ जी, अभी तक ये है कि आज एक अच्छी खबर है कि हमारा जो फेज़ वन का टारगेट था जिसमें हमने 375 पार्टिसिपेंट्स को लेना था वो टारगेट ऑल ओवर इंडिया कंप्लीट हो गया है और आज पहली डोज 375 लोगों को लगा दी गई है। और उसके साथ ही हमारा आज 3 लोगों को जिनको हमने पहले 17 तारीख को पहली डोज दी थी आज उनको दूसरी डोज लगाने का दिन था तो हमने वो 3 सेकेंड डोजेज भी आज लगाई हैं और ये सभी वॉलेंटियर्स तंदुरुस्त हैं और किसी में भी कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है। अभी तक के जो चला हुआ है प्रोसेस उससे आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी, अभी तक हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कोई सीरियस इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स नहीं आए हैं इस। तो 375 का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है, आज फर्स्ट फेज इनका पूरा हो गया है। अब डॉक्टर रमेश वर्मा से जानना चाहेंगे कि सेकेंड फेज कब स्टार्ट हो जाएगा और इस फेज के लिए वो क्या कहना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि सेकेंड फेज जो है फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में शुरू हो जाएगा। उस जो फर्स्ट फेज में एज ग्रुप थी हमारी 18 से 55 साल की और सेकंड फेज में हम एज थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं 12 से 65 साल की कर रहे हैं। मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी एज सेक्स का हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारी हेल्पलाइन है PGIMS की 9416447071 94164-47071। तो मैं हरियाणा वासियों से, रोहतक वासियों से और देशवासियों से अपील कर रहा हूँ कि अपना इस हेल्पलाइन पर अपना नाम रजिस्टर कराएँ और इस वैक्सीन के जो ट्रायल चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें। आपकी इसमें काफ़ी जो ट्रायल है काफ़ी टीम ने भाग लिया होगा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस ट्रायल के अंदर एक पूरी टीम लगी हुई थी जिसके अंदर 8 से 10 डॉक्टर हैं, 4 से 5 स्टाफ नर्स थी, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। स्पेशली डॉक्टर ध्रुव चौधरी हमारे जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, डॉक्टर पवन सिंह, डॉक्टर मंजूनाथ, डॉक्टर गोपाल, मिस्टर संजय, इन सब का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने दिन रात काम करके हमारे इस ट्रायल को, जो फर्स्ट फेज का, सुनील का भी, दीपक का भी, जो आशीष का भी जो इस ट्रायल में इन्वॉल्व है, इन सब का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने दिल से 24/7 लोगों के फ़ोन, हमारे सब्जेक्ट के फ़ोन अटेंड किए हैं। एक बार फिर मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब एक बात करें, कल जो बात आई थी कि वो डायग्नोस की बात आई थी, अब आप वैक्सीन कर रहे हैं प्रिवेंशन के लिए, तो दोनों ही चीज़ें बहुत राहत भरी हैं मेडिकल PGIMS रोहतक से। हाँ जी, कितना ज़्यादा उत्साह बढ़ा है इस चीज़ को लेके? उत्साह तो काफ़ी है क्योंकि जो कल डायग्नोसिस को लेके जो बात आई है या आज प्रिवेंशन के लेके, ये दोनों ही एक अहम हिस्सा हैं किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए। तो अगर ये दोनों ही सक्सेसफुल होते हैं तो हमें उम्मीद है कि हम जड़ से इस बीमारी को ख़त्म कर पाएंगे। ये डॉक्टरों की टीम है, कल हमने बात की थी काला पीलिया की दवाई से, जिस तरह से डॉक्टर परवीन मल्होत्रा ने बताया था कि इसका संक्रमित पेशेंट का जो है ना इलाज हो सकता है, और आज जो कोवैक्सीन ट्रायल के लिए जो टीम हमारे साथ है उसने अपना फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया है। 375 का जो आंकड़ा था वॉलेंटियर का वो इन्होंने पूरा कर लिया है। निश्चित तौर पर ये राहत भरी खबर है। अब उस दिन का इंतजार है जब ये वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी और कोरोना यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कैमरामैन परविंद्र कौशिक के साथ PGIMS रोहतक से टोटल टीवी के लिए मैं देवेंद्र शर्मा।